हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है वो टाइम यही है कि हम आ गए हैं। टाइम टाइम मतलब हम ये बोलें कि बस आ गए हैं तो आपके लिए आए हैं ना। आज काफी दिन बाद आपके पास पहुंचे हैं। अपने अपने बिजी शेड्यूल के हिसाब से चलो काम करते रहते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देना होता है। तो मेरी एक हमेशा एक बात यही रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ नया ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट मिलता रहे जिसकी वजह से आपकी और हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। अब वो कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो हम चलते रहेंगे, लॉन्ग टाइम चलेंगे, जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे एक दूसरे के साथ हमारे इस चैनल पर। द चैनल नेम इज सेलेक्शन मंत्रा। अगर हम चैनल नेम की बात करूँ तो चैनल नेम के ऊपर हम बहुत सारी हम अपनी वीडियोज दे रहे हैं ताकि कंटेंट जो भी आपको दें अच्छा कंटेंट दे, और ताकि आपको ये रहे कि मतलब हमारी वीडियोस नेक्स्ट कब अपडेट हो रही है और कब मिल रही है। तो इसी के साथ आज हम एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक नए कंटेंट की शुरुआत करते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक ये रहता है, बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चे। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डाउट मिलेंगे। डाउट मतलब ये बोल सकते हैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है जी, उसका क्या मतलब होता है जी। एक ही जगह, एक ही पॉइंट, एक ही वर्ड के डबल डबल मीनिंग निकल जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दो वर्ड हो गए उस वर्ड का मीनिंग सेम होता है। तो सेम का मतलब यहाँ भी इसका यूज किया जा रहा है, यहाँ भी इसका यूज किया जा रहा है। तो इस तरह से इंग्लिश जो है अपने आप में कंसेप्शनल काम करती है। अपने अपने आप में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ जितने भी इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड लिए गए हैं या इंग्लिश बनाई गई है, तो हम ये मान सकते हैं कि जर्मन लैंग्वेज से उठाया गया, लेटिन लैंग्वेज से उठाए गए, डच लैंग्वेज से उठाए गए, ठीक है, इटालियन लैंग्वेज से उठाए गए। तो कहने में तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो ज्यादातर, मोस्ट ऑफ जो लैंग्वेज हैं, मोस्ट ऑफ लैंग्वेज, यहां से इंग्लिश को उठाया गया। उठाने का मतलब बहुत सारे से वर्ड लिए गए ताकि हम एक परफेक्ट लैंग्वेज को तैयार कर सके, ताकि हम एक चीज को तैयार कर सके और जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो उसके लिए आज हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और एक नए पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं, या एक नई जगह की शुरुआत कर रहे हैं, या एक नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं देता रहूंगा। और जिस बच्चे को किसी भी तरह से कोई क्वेरी चाहिए, कोई भी अगर बात करना चाहता है, कोई डिस्कशन करना चाहता है, तो लिंक के बायोग्राफी के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप इस नंबर पर। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आपको जो भी क्वेरी चाहिए होगी, या आप लिंक पर जाकर और यूट्यूब के लिंक पर जाकर उसमें आपको नंबर की सारी डिटेल दे दी जाएगी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप आगे से हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे को सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए हम आज फिर एक शुरू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। बहुत सारे बच्चे ये बात रहती है कि हाउस का मतलब क्या होता है, होम का मतलब क्या होता है। हाउस का मतलब पक्का घर, होम का मतलब कच्चा घर, ये चीज, या हाउस का मतलब कच्चा घर, होम का मतलब पक्का घर, कच्चा पक्का, कच्चा पक्का, इसमें लगे रहते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाउस का मतलब क्या होता है और होम का मतलब क्या होता है। हाँ जी, हाउस का मतलब मेरा घर, होम का मतलब उसका घर, या हाउस का मतलब उसका घर और होम का मतलब मेरा घर, यानी कि एक दूसरे के घर की बात करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हाउस का मीनिंग क्या है और होम का मीनिंग क्या है। तो ऐसे ही सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाउस, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा होम। तो सबसे पहले हम हाउस पे चलते हैं। हाउस अपने आप में एक वर्ब के रूप में भी काम करता है और हाउस अपने आप में एक नाउन के रूप में भी काम करता है। बहुत सारी नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको पहचानने के लिए ये चीजें बतानी जरूरी होती हैं, करनी जरूरी होती है कि हाउस क्या है, नाउन है या नहीं है, होम नाउन है या नहीं है। मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि नाउन को अपने आप में लेकर चलते हैं कि मैं नाउन हूं, ठीक है। एक वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है और एक नाउन के रूप में भी काम कर रहा है। अब वर्ब के रूप में क्या काम कर रहा है और नाउन के रूप में क्या काम कर रहा है, या उस वे में हम कह सकते हैं कि किसको किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। तो वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास कुछ एग्जांपल है, उस एग्जांपल से मैं आपको इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउस और होम में फर्क क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस है, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। अब यहां पर इस लाइन के हिसाब से हम देखते हैं, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। यहां पे अब जो ये हाउस है वो किस चीज का काम कर रहा है, यहां पे हाउस किस चीज का काम कर रहा है, यहां पे हाउस नाउन का काम कर रहा है।
अब ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन इसमें भी आ गया, नाउन इसमें भी आ गया, यानी कि ये नाउन के रूप में ये भी काम कर रहा है और नाउन के लिए ये भी काम कर रहा है। तो यहां पे क्या चीज है, पोजेसिवनेस को शो करता है। पोजेसिवनेस का मतलब होता है कि कोई अपना मालिकाना हक दिखाना। पोजेसिवनेस का मतलब होता है कोई अपना मालिकाना हक दिखाना, या जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि हिज, हर, माई, आर, ये जो वर्ड हैं ये पोजेसिवनेस को शो करते हैं। जैसे कि हिज, उसका, हर, उसका, उसकी, लड़के लड़की के लिए, माई, मेरा, आवर, हमारा। तो ये क्या जो वर्ड है, ये वर्ड ऐसे हैं, ये पोजेसिवनेस को शो करते हैं। यहां पे क्या है, माई, और माई आ रहा है इसमें, आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हाउस है वो एज अ नाउन को शो कर रहा है। तो यानी कि नाउन भी है और वो अपने आप में वर्ब भी है। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या बोला गया, हाउस, द हाउस इज मेड ऑफ वुड। यहां पे हाउस क्या आ गया, यहां पे हाउस जो है वो भी एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, द हाउस इज मेड ऑफ वुड। अब ये वुड क्या है, लकड़ी है, यानी कि ये वाला जो घर है ना, ये वाला जो घर है वो क्या है, वो किस चीज का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। तो अपने आप में ये पोजेसिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो पोजेसिव वाली चीज होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि ये नाउन के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर किसी तरह से किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, जैसे आप कह सकते हैं कि द बिल्डिंग हाउस टेम्पल, द बिल्डिंग हाउस टेम्पल। अब ये जो यहां पे हाउस है ये भी अपने आप में क्या काम कर रहा है, एज अ वर्ब का काम कर रहा है, एज अ वर्ब, द बिल्डिंग हाउस टेम्पल। यानी कि अगर हम किसी को एक, मतलब जो ये घर है या जो हम कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, द बिल्डिंग्स मतलब कि ये जो बिल्डिंग्स है, ये इसकी बिल्डिंग की बात की जा रही है। हाउस टेम्पल मतलब कौन से घर, कौन से मंदिर, किस चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये हाउस है वो एज अ वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह से किसी उसकी पोजेसिवनेस की शो या बात नहीं की जा रही, मतलब उसके अंदर उसके उसके पार्ट को, पार्ट का जिक्र किया जा रहा है जिस पार्ट के अंदर वो उसका टेम्पल को शो करता है। तो कहने का मतलब, अगर आप एक वैसे नॉर्मली इन चीजों से हटकर, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इन चीजों से हटकर अगर आप बात करें तो हाउस को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं। अब हाउस को हम किसी तरह से एक बिल्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं, हाउस को हम किसी तरह से एक मकान में डिफाइन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो मकान उसका है, वो घर उसका है, ये चीज बोल सकते हैं। या हम एक नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मली जिक्र करते हैं कि अगर किसी तरह से किसी भी तरह के किसी के इमोशंस किसी के साथ नहीं जुड़े हुए ना, तो वो हाउस होता है। इमोशंस, इमोशंस का मतलब हम नॉर्मली कह देते हैं कि वो उस मकान में रहता है, वो उस घर में रहता है। अब घर में रहता है, मकान में रहता है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो रहा है, घर में रह रहा है, मकान में रह रहा है, हम मान सकते हैं मीनिंग सेम है। लेकिन इमोशंस कहता है कि जब किसी के साथ किसी के इमोशंस नहीं जुड़े होते, जब उस किसी तरह से मकान में रह रहा है, किसी की तरह आप नॉर्मली बोल देते हैं कि किराए पे रह रहा है या जो भी है, जैसे है, ठीक है, वो एक अपने पीजी में रह रहा है, अपने तरीके से रह रहा है, तो वो क्या चीज है, उसमें किसी तरह से उसके इमोशंस नहीं है। और जिस जगह पर रहने के कोई इमोशंस नहीं होते वो अपने आप में हाउस बन जाता है। सिंपल तरीके से ऐसे याद कर लो, ठीक है। हाँ, अगर इंग्लिश तरीके से याद करना है, नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। वैसे सेम टू सेम अगर हम अब होम पे आते हैं तो होम क्या काम करता है, होम अपने आप में एडवर्ब का काम करता है और नाउन का काम करता है। मतलब हाउस भी नाउन का काम कर रहा है और होम भी नाउन का काम कर रहा है। फिर उसके बाद छोटे छोटे एग्जांपल हैं, कहता है कि ही वेंट टू होम, दे वेंट होम, शी वेंट टू हर होम, द फॉरेस्ट इज अ होम टू फोर एनिमल्स। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने सही भी लिखी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत भी लिखी हैं। तो हम जल्दी से थोड़ा सा ये बता देंगे कि इसमें से कौन सी चीज गलत है या कौन सी चीज सही है। हमारे पास दो सेंटेंस आते हैं ऊपर, पहला ये, ही वेंट टू होम, दे वेंट होम। यहां पे टू का यूज किया जा रहा है और यहां पर किसी भी तरह से किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा रहा। तो ये इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस गलत है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं यहां पे जो होम है वो क्या काम कर रहा है और यहां पे जो होम है वो क्या काम कर रहा है। ये है दे वेंट होम, यहां पे किसी तरह से कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा रहा, ओके मानते हैं। और ये जो
होम है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अब एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जा रहा किसी भी तरीके से, तो इन दोनों में से ये वाला सेंटेंस ओके है। या हम वैसे नॉर्मली मान सकते हैं ही वेंट टू होम, ये सेंटेंस अक्सर पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा या मिल जाता है, कभी कभार कॉमन मिस्टेक्स कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, तो कॉमन मिस्टेक ये ही वेंट टू होम, ये सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे जो ये होम है वो एज अ एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए यहां पर किसी तरह से प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। ओके, फिर उसके बाद शी वेंट टू हर होम, अब वो कहता है कि शी वेंट मतलब कि किसी कोई लड़की है वो किसी के घर पर गई है, यानी कि अपनी फ्रेंड या कोई सहेली उसके घर पे गई है। अब यहां पे होम क्या काम कर रहा है, ठीक है, और यहां पे जो होम है वो अपने आप में यहां पे जैसे हम कहते हैं शी वेंट टू हर होम, शी मतलब कोई भी थर्ड पर्सन था, कोई फ्रेंड थी, ये दोनों आपस में फ्रेंड थी तो वो एक दूसरे के घर जा रहे थे। वेंट टू, टू यहां पर किसी तरह से एक क्या है, प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद हर पोजेसिव हो गया, फिर उसके बाद होम, अब पोजेसिव के बाद होम और हाउस वो अपने आप में क्या काम करता है, अपने आप में नाउन का काम करता है, यानी कि पोजेसिव के बाद चीज को शो किया जा रहा है तो वो क्या बनता जा रहा है, नाउन बनता जा रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि द फॉरेस्ट इज अ होम टू फोर एनिमल्स, द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल है कोई, अपने आप में जहां जंगल होते हैं, कहते हैं जंगल क्या है, जंगल एक घर है किन के लिए, एनिमल्स के लिए, यानी कि जानवरों के लिए। अब जानवरों के लिए यहां पे बात की जा रही है, जानवरों के लिए, तो यहां पे फोर का यूज किया जाना चाहिए या टू का यूज किया जाना चाहिए, द फॉरेस्ट इज अ होम। सबसे बड़ी बात ये, जब कोई आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल डिफाइन करता है नाउन को, बात ही खत्म। कहीं भी आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल अपने आप में, आर्टिकल से आगे वाला जो वर्ड यूज किया जाएगा वो नाउन ही होगा। तो पहचानने की, समझने की जो जरूरत यही है वो इस चीज को समझ जाना कि वो अपने आप में एज अ नाउन का काम कर रहा है, पहला ये। अब दूसरा कहता है कि यहाँ पे टू का यूज किया जाएगा और फोर का यूज किया जाएगा, टू लगाएं या फोर लगाएं, कहता है कि जो फोर है वो अपने किसी तरह से किसी पर्पज के लिए शो करता है लेकिन फोर का यूज नहीं किया जाता। कहता है कि द फॉरेस्ट इज अ होम टू एनिमल्स, यहाँ पे जो उसका आंसर रहेगा टू एनिमल्स रहेगा। तो इस तरह का कॉमन एक एरर हम जिसे कह देते हैं कि पेपर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा जो हमारे डिफरेंसेस रहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हाउस और होम, तो इस तरह से जो छोटे छोटे जो वर्ड रहेंगे वो वर्ड भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल के थ्रू आपको देता रहूंगा। और इसी तरह से हमारे इस चैनल्स के साथ, इस वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक।